बताओ कौन हो? मेरे सामने आने के लिए डर लग रहा है तुम्हें? तब तक मुझसे डर के भागते रहोगे इस तरह? आओ मेरे सामने आओ। सर अभी उस भूत को बुलाना जरूरी है क्या? हम तो पहले से बहुत डरे हुए हैं सर। तुम सबको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो किसी भी तरह हम पर अटैक नहीं कर सकता। सर क्या हुआ? सर सर बात कीजिए ना सर। प्रवेश कर लिया, क्या वो आपसे ज्यादा पावरफुल है? कौन है सर वो? वो एक लड़की की आत्मा है। यह आत्मा बदले की आग में बुरी तरह से जल रही है। वो बदला किससे लेना चाहती है ये मैं अभी कह नहीं सकता। हमारी कंडीशन बहुत खराब है सर। घर वालों से झगड़ा करके हमने इस रिसोर्ट में इन्वेस्ट किया। ये दोनों तो रिसोर्ट बेचना चाहते थे, मैंने मना किया। और आज अगर हम इसे बेचना भी चाहें तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सबके प्रॉब्लम्स जानने के लिए और तुम्हारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे उस रिसोर्ट में आके मुझे निशा से मिलना होगा। इन्हें भी निशा चाहिए क्या? चुप हो जा। लेट्स डू सम मैजिक, ओके? मैं अब मनीष के गालों पर टच करूंगा, पर उस टच को फील करेगी सिर्फ सारा। आर यू रेडी सारा? यस आई एम रेडी। डिड यू फील? नो। झटका जोर का था ना? तो जब तुमसे पूछा गया तो तुमने झूठ क्यों कहा? आई एम सॉरी। व्हाट हैपेंड? ही बीट्स यू, शी फील्स इट। क्रेजी एक्सपेरिमेंट यार। मतलब मेरी बजा रहे थे क्या? मजाक कर रहा था रे। तुमने मनीष को मारा तो सारा को कैसे लग गई? तुमने सुना होगा कि जुड़वा बच्चों में किसी एक को दर्द होता है तो दूसरे को एहसास होता है। इसी तरह हम सबके अंदर भी एक कनेक्शन होता है। पर मनीष और सारा के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है ये तुम्हें कैसे पता चला? इट्स अ मैजिक। कॉफी? ये भी तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी के लिए आऊंगी या नहीं। लुक इनटू माय आईज। Yeah, you are ready for a hot coffee. एक काम करते हैं, हम भी मेंटलिस्ट बन जाते हैं, वरना पूरी जिंदगी हमें ब्रह्मचारी बनकर बैठना पड़ेगा। ए, ब्रह्मचारी बनकर बैठने का मतलब क्या है? पता नहीं, जुबान पे डायलॉग है इसलिए बोल दिया। चुप बैठ यार। Hmm.
स्पेशल अबाउट यू। तुम्हारी आंखों में कुछ तो है। लेट्स टेक अ पिक। नो, लेटर। नाउ। बाद में। अभी। नो। ए, जो बैठो। निशा, जिंदगी में हसीन आपकी भी एक चीज होती है, क्या तुम ये जानती हो? क्या हुआ सर? भूत के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चला। ये पता चला कि निशा भूत नहीं है। तो फिर भूत कौन है सर? जस्ट वेट एंड सी। चाहे मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं तुम्हारी तस्वीर बना कर ही रहूंगा। कौन हो तुम? अगर तुम्हें सामने आने से डर लग रहा है, यानी तुमने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। मैं एक लाचार औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भाग रही हो मुझसे। ऐसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे मकसद से। गो टू हेल।